जीवन का एक ही लक्ष्य है, सिंहासन की रक्षा और नागलोक की सुरक्षा। अब होगा महायुद्ध। थैंक यू निकितिन। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम मृणाल जैन, हु इज प्लेइंग एंटी हीरो फॉर द फर्स्ट टाइम। मृणाल, शंखचूर्ण, अब एक कहानी में एक सूत्रधार तो चाहिए, और वो सूत्रधार आई वुड लाइक टू वेलकम और मनसा देवी किशोरी सहाने। चलो, ये तो नागलोक के रेसिडेंट्स हो गए। अब अपना ट्रू ब्लड सुपर हीरो अर्जुन, नागार्जुन अंशुमान मल्होत्रा। सो ये बातों को आगे बढ़ाने के लिए एक हीरो के साथ हीरोइन भी चाहिए। हमारे स्टोरी की हीरोइन है नूरी पूजा बैनर्जी। विलेंस हो गए, हीरो हो गया, हीरोइन हो गई, ये तो नागलोक वाले हैं। अब अमरोली का थोड़ा हंगामा चाहिए। वी वांटेड अ बिग विलेन, नवाब शाह एज एसपी बलदेव सिंह चौधरी। जब तक हीरो अपना हीरोइज्म दिखाए, उसके परिवार का समय आता है। तो अर्जुन के पिताजी जो अमरोली के हैं, बहुत ही एक रिस्पेक्टेड इंसान है, बहुत लोग उनको मानते हैं, महेश्वर जी सुनील सिन्हा। चलिए मानते हैं कि कहानी सास बहू की नहीं है, लेकिन किचन से तो थोड़ा पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत हम ला सकते हैं। सो इस कहानी में बुआ प्ले कर रहे हैं शीला डेविड। और एक नन्ही सी परी है हमारे साथ, चुटकी नितांशी। और बाकी भी बहुत पात्र हैं जो आज आ नहीं पाए, मे बी द स्टेज वॉज फुल ऑलरेडी, बीइंग गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट। ये हो गए कहानी के पात्र। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा ऑल ऑफ अस एंड अ ग्रेट सपोर्ट। अब तीन लोगों को बुलाऊंगा, फिर आप लोग गया। इसको जोड़ने के लिए हमें चाहिए था ऐसे डायरेक्शन टीम जो हमारे एक ड्रीम को, एस्पिरेशन को एक मुकाम पे लेके पहुंच पाए। माय वेरी डियर फ्रेंड्स, there are a lot of people who contributed from behind, and their contribution made this show what it is right now. We have writers like Robin Hurt, Akash Khurana, Kamal Pandey, Sumit Arora, Sanjeev Puri. Main inke sath kaam kar raha hu. Live Okay par pichla show ek tha Junoon, wo bhi maine kiya tha. Aur ab is show mein Maheshwar Shastri, jo ek mandir jo hai Amroli ka, wahan par किचन की देखभाल करता है, और उसका बेटा है अर्जुन, तो ये मेरा किरदार है। हेलो, आई एम शीला शर्मा डेविड। आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट आई फील रियली फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, एंड एज यू हैव सीन नाग अर्जुन, द टाइटल इटसेल्फ सेज
the how huge the show is all about. It's the magnum opus, and I'm sure it's going to excite every one of you, and it's going to be a huge show, a promising show. And I'm playing Bhuva, a little angry Bhuva, which I'm not happy about, Arjun, being in the family. And the later part of it, which you all are going to watch, and especially Yashji, I've been connected with Beyond Dreams for quite some time. I've worked with them in their earlier show also. That was Babban versus Vimla Thai. And I did a feature film, Kalo, with them. And I feel like a family, you know. I mean, they are so sweet, Mr. and Mrs. Yashji. They are so sweet people, you know. And I really feel very happy and blessed to be here. And from my heart, I have all my best wishes for my entire team to Yashji. And thank you, all of you. Thank you. Good evening, everyone. I'm playing the hero in the show. I'm in a uniform, and I respect that. And I personally feel I'm the most positive character in this show. Yash thinks I'm a villain. I don't think so. मैं इस वर्दी की बहुत इज्जत करता हूँ. इस पूरे शो में लोग बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं और मैं एक ही आदमी हूँ जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है. सो आई एम द हीरो ऑफ दिस शो. थैंक यू. Hi everybody, this is Pooja Banerjee over here and I'll be playing the character of Noori Chaudhary. Jaisa ki aapne dekha ki ye show mein drama, action, sab kuch hai. So basically my part in this show is to bring romance. I am playing the love interest of Arjun. Thank you. Hi everyone. Main Anshuman Malhotra hu aur main Arjun ka character play kar raha hu jaisa ki aap sabne dekh liya. Aur mera character बहुत ही सीधा साधा बच्चा है जो कि सब अपने बड़ों की बात मानता है और बहुत पोलाइट है और सब बात सुनता है सबकी. बट कैसे वो इस छोटे से शहर से, जैसा कि मैंने आते ही बोला था कि छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, कैसे इस के साथ वो माइथोलॉजी के बीच में जाके वो फंस जाएगा और उसका क्या कनेक्शन है वहाँ से, और कैसे उसकी ये ऑर्डिनरी लाइफ क्या से क्या बन जाएगी और वो कैसे सुपर हीरो बन जाएगा, दैट इज़ द जर्नी. हाय एवरीवन, मेरा नाम नितांशी गोयल है, चुटकी. मेरा रोल है कि मैं स्वीट हूँ, एंग्री हूँ और इंटेलिजेंट हूँ. थैंक यू. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. First of all, I'd like to congratulate Life OK for coming up with such unique concepts. इससे पहले भी मैंने Life OK पे एक शो किया था, दो दिल एक जान, जो कश्मीर बेस्ड था, टेररिज्म पे बेस्ड था, लेट फारूक शेख जी के साथ था. और आज यश पटनायक जी के साथ ये बहुत ही भयानक दिखने वाला बहुत ही बड़ा शो है, जो आई फील इट विल रेज द एंटरटेनमेंट वैल्यू बार्स ऑफ ऑल द ऑडियंस. और पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर दिस शो. पास है सब लोग को, जब भी मैं कहती हूँ मैं नागार्जुन में हूँ तो कहते हैं कि अरे वाह वो कब आ रहा है शो, अच्छा हमें देखना है. तो काफी उत्सुकता है सबके मन में इस शो को लेकर, और ये बरकरार रखिए आप मीडिया फ्रेंड्स. आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप हमें अच्छे से प्रमोट कीजिएगा. गुड इवनिंग, नमस्कार. जैसा अभी अभी यश जी ने कहा कि मैं वासुकी सूत्रधार का किरदार कर रहा हूँ इसमें, सूत्रधार. और युवराज जी ने मुझे परसों नरसों जब मैं शूट कर रहा था कहा था कि कभी मैं भीष्म बन जाऊँगा, कभी कृष्ण बन जाऊँगा, तो अर्जुन के साथ मैं हमेशा रहूँगा. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा. थैंक यू. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं शंकर चूर्ण प्ले कर रहा हूँ. दरअसल ये जब मैं मुझे पहली बार इस शो के लिए कॉल आया था, इस रोल के लिए कॉल आया था, तो मैं पहले से ही थोड़ा सा माइंड में नेगेटिव था कि यार मैं नेगेटिव रोल कैसे प्ले करूंगा, अब तक तो मैं सिर्फ पॉजिटिव रोल प्ले करता हूँ. लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस गया, वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर का विजन एकदम क्लियर होता है, मतलब 15 मिनट्स और मैं कन्विंस हो गया. मतलब कहते हैं कि हीरो हीरोइन के बीच में एक जड़ जो होती है जो उन्हें मिलाने से रोकती है, वो है शंकरचूर्ण. तो बहुत सारी चीज़ें करेगा. और आई एम रियली थैंकफुल यश सर कि आपने मुझे इस रोल के लिए चूज़ किया, एंड स्पेशली नेगेटिव विजन जो आपका है, जो मैंने आज तक विजन नहीं किया था, वो अब मैं प्रूव कर सकता हूँ. थैंक यू सो मच. नमस्कार, मेरा नाम निकितिन धीर है
और इस शो में मैं अस्तिका का किरदार निभा रहा हूँ। अस्तिका एक वॉरियर है और उसकी जर्नी जैसे आपने प्रोमोज में देखा होगा बहुत पौराणिक जर्नी है और वो कैसे इस युग में आता है और मैं एक्चुअली इंडस्ट्री में आई लोग को तंग करने हूँ तो यहाँ पे सबको तंग करूँगा। एंड विद यस आई वाज सपोज टू स्टार्ट समथिंग फ्यू इयर्स अगो टेलीविजन पर लेकिन वो हुआ नहीं और आई एम वेरी थैंकफुल कि जब मेरी टेलीविजन की जर्नी शुरू हुई है वो इनके साथ हुई है एंड द टीम वी हैव ग्लेन अंकुश एंड यू नो युवराज सर ऑल ऑफ अस आई थिंक वी आर इक्वली पैशनेट और हम यही चाहते हैं कि हम आपको ए ग्रेड मनोरंजन दें एंड आई रियली आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू वॉच दिस ऑन 30th May। हाय गाइस मेरा नाम अमन वशिष्ठ है मैं असलम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो कि अर्जुन का बेस्ट फ्रेंड है वो जितना सीधा है उसमें मैं उतना ही नौटंकी हूँ आलसी निठल्ला नालायक टाइप का हूँ वो जितना सीरियस है मैं उतना ही एंटरटेनिंग और चुलबुला कैरेक्टर हूँ सो दैट्स अबाउट मी। या थैंक्स युवराज यश ममता फॉर गिविंग अस दिस ऑपर्चुनिटी बिकॉज फ्रॉम टाइम ऑनवर्ड्स वी ऑलवेज सी व्हाटएवर इज फॉरेन इज गुड एंड इट्स ग्रेट दैट दे डग आउट दिस चैप्टर व्हिच इज नॉट नोन एंड टू पुट इट इन दिस टू लेयर्स और टू वर्ल्ड्स इट्स डिफिकल्ट बट व्हाट इज लाइफ विदाउट अ चैलेंज एंड व्हेन यू हैव अ बिग विजन यू नीड बिग मनी एंड थैंक्स सो दे डिडंट हेजिटेट टू यू नो वर्क ऑन द कॉस्ट्यूम द कास्ट द टेक्नीशियन the locations that we went I mean yeah beyond dreams hopefully we'll take this beyond other dreams thanks for this opportunity all I can say is really thank you it is very easy to sit in one room and write something think something write something but it is something an incredible experience when you actually see those characters and the story come alive on screen so thank you very much What I am seeing on screen, I don't think we imagined it to that well. But we are very, very happy the way it is coming out on screen. See, we have been thinking about that, how do we break new grounds? I mean, the last time we did that was actually with Mahadev, where we tried to present a mythological show in a very new manner, which was the first thing, first time on Indian television, which became sort of, so to say, a formula which has been followed by others. On this show, we are at a conceptually and at a production level, we are actually trying to break another new ground. We are very hopeful that we have been able to achieve it. You will have to start watching from 30th May and I think you will understand whether we have been able to pull it off or not. Thank you again and thank you all of you for coming over here. Thank you.